Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हो गई है। इस तरीके से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 3 मुकदमे जो दर्ज थे उसमें सजा मिल चुकी है। पहले तो 5 साल की मिली थी, एक 7 साल की मिली थी और तीसरा जो सजा मिली है वो 10 साल की मिली हुई है। और इसको लेकर सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में मचता नजर आ रहा है। तो इस कड़ी में उनके बड़े भाई जो अफजाल अंसारी हैं, जो कि गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो बयान क्या है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात करें तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी रविवार को दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर को मिले सजा पर बोलते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं, उच्च न्यायालय में हम चुनौती देंगे। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से जेल में बंद हैं, बिना सजा हुए वो अब तक आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं। गैंगस्टर वाले मामले में जो अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती थी वो न्यायालय ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह की परिस्थिति 2002 और 3 में टाडा के मामले में पैदा हुई थी। उस वक्त जज ने इसी तरह के 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई थी और उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 पुलिस जब किसी पर कायम करती है तो इस मामले में डीएम का अप्रूवल लिया जाता है और उनके अप्रूवल के बाद ही किसी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला बनता है और जब उसकी चार्जशीट जाती है तभी अप्रूवल होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के इस मामले में डीएम से अप्रूवल नहीं लिया गया। डीएम के अप्रूवल के खिलाफ कैसे केस चलाया जा रहा है तो न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो हाई कोर्ट गए, जिस पर हाई कोर्ट 16 दिसंबर को तय होना था लेकिन उसके पहले ही मुख्तार अंसारी पर सजा तय कर दी गई। इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में था जब टाडा के मामले में मुख्तार अंसारी पर सजा सुनाई गई थी और उस मामले में दिल्ली कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लिया गया था, जिसका आधार मानते हुए जज ने मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामले में 20 साल की सजा हो चुकी है। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मामले में कुछ 5 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 4 मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं, एक मुकदमा शेष बचा है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ में धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा और एक गैंगस्टर का मामला जिसमें वो बरी हो चुके थे लेकिन अपील पर 5 साल की सजा और एक अन्य मामले में 3 साल की सजा, कुल मिलाकर 20 साल की सजा मुख्तार अंसारी को हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने ये बात कही है कि हम चुनौती देंगे, के बाद मुख्तार अंसारी के समर्थकों में एक कहीं न कहीं नया उत्साह नजर आया है। खैर, आपको क्या लगता है इस मामले पर पूरे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।